गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो हम अपना आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो है चैप्टर लेसन 8 का चाइल्डहुड, माय चाइल्डहुड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी का ही अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसी चैप्टर से अभी हम लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहा था जिसमें हमने आधा लिखाया था, मतलब 2.2 तक हम लोग पढ़ लिए थे, लिखवा चुके थे। यहाँ आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 2.3। 2.3 में आपके दिए हुए हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, कम शब्दों में, बहुत ही छोटे शब्दों में इस क्वेश्चन का जवाब देना है, आंसर देना है। तो सबसे पहले इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ये 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर जो है वेरी ब्रीफली है, ये क्वेश्चन कहता क्या है। आप लोग सभी जैसा जानते हैं कि बीच बीच में क्वेश्चन दे देता है स्टोरी के बीच में। तो ये रहा 67 पेज नंबर में आपका जो है क्वेश्चन नंबर B2.3। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट क्वालिटी डिड द इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता से उन्हें विरासत में कौन सा क्वालिटी, कौन सी गुण उनको प्राप्त हुई थी। इसको कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में उनके माता पिता से कौन सा क्वालिटी विरासत के रूप में उन्हें प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो हमने पढ़ाया था इसके बारे में कि ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, उन्हें जो है ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, ये दो जो चीजें जो है उन्हें माता पिता से प्राप्त हुआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फैमिली, उनके परिवार का पेशा क्या था। ठीक है, किस कारोबार से उन्हें जुड़े थे। तो आइए देखते हैं, ड्यूरिंग द एनुअल सीरीज सीताराम कल्याणम सेरेमनी, वार्षिक समारोह सेरेमनी होता था साल में एक बार, सीता श्री सीताराम कल्याणम के दौरान उनके परिवार के लोग फैमिली यूज टू द अरेंज बोट, वो बोट जो है चलाते थे, अरेंज करते थे और उसका कीमत लेते थे, विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फ्रॉम कैरी इडोल्स ऑफ द लॉर्ड, और उसमें जो है लॉर्ड के इडोल्स को, मूर्ति को, वो उसमें रख कर ले जाते थे और उसका भाड़ा जो होता था वो लेते थे, फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, मैरिज साइट से वो टेम्पल से मैरिज साइट तक ले जाते थे, जहाँ विवाह सीता श्री सीताराम का जहाँ विवाह होता था वहां उसको मैरिज साइट कहते हैं, वहां विवाह किया जा रहा था, इसमें वो लोग जो है भाग लेते थे। इनका वो काम था बोट से ले जाना ले जाना, दिस वॉज द ऑक्यूपेशन हिज फैमिली, यही पेशा उनका था, उनके परिवार का यही पेशा है। तो ये दो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दो आंसर आपका जो है बोर्ड पे दिए हुए हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे थ्री नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बता दें कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि हाउ डिड द न्यू टीचर बिहेव विद कलाम एंड व्हाट डिड ही डू, नए जो शिक्षक आए थे स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में, उनके उन्होंने कलाम के साथ कैसा व्यवहार किया और उन्होंने क्या किया। ठीक है, इसका आंसर होगा कि कलाम वाज सीटिंग ऑन टू वियर ए कैप विच मार्क विद एन ए मुस्लिम कैप पहने हुए थे क्लास में, द न्यू टीचर कुड नॉट एस्टोमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, विद अ मुस्लिम बॉय इन अकॉर्डेंस विद देयर सोशल रैंकिंग, द न्यू टीचर आस्क्ड हिम टू गो, क्या किया वो, एंड सिट ऑन द बैक बेंच,
उन्होंने कहा कि आप जाइए और पीछे वाले पेज पे जाके बैठ गए। तो ये रहा आपका 3 नंबर का आंसर। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए कि व्हाट प्रोफेशन डिड ही थ्री फ्रेंड अडॉप्ट फॉर ग्रोथ एडल्ट। उनके तीनों मित्र बड़े होने के बाद जब बड़े हो गए तो कौन कौन से अपने अपने कारोबार में चले गए। ठीक है, उनको उनके तीनों मित्र किस किस काम में, पेशे में, नौकरी में चले गए, वो पूछ रहा है। तो यहाँ बता दें कि हिज थ्री फ्रेंड्स रामानंदन शास्त्री टुक ओवर द प्रिस्टहुड द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। अपने पिताजी के जगह पर जो पुजारी थे, बड़े पुजारी, उन्हीं के टेम्पल में वो कार्यरत हो गए, काम करने लगे पूजा पाठ कराने का। एंड अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ द अरेंजिंग टू ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और ट्रांसपोर्ट में अरविंदन चले गए। और शिव प्रकाश बीकम है कैटरिंग कैरेक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और रेलवे में जो कैंटीन चलता है उसका कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे, कॉन्ट्रैक्ट लेकर उसमें काम कराने। तो तीन जगह तीनों आदमी ने नौकरी पकड़ ली। तो ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन, जिसे आप नोट कर लेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड कलाम है। कलाम कितने भाई और बहन थे। ठीक है, तो हमने बुक में क्या पढ़ा था कि उन्होंने बताया कि 3 भाई बहनों में से मैं भी हूँ, तो उसमें कितने हो गए, एक ही अपने हो गए। तो कलाम हैज 4 ब्रदर एंड सिस्टर, 4 भाई बहन थे वो। ठीक है ना, 3 अपने को छोड़कर उन्होंने बुक में बताया है, तो एक उनको भी जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो कलाम हैज 4 ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से पैराग्राफ 8 से हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।